डेमोक्रेटिस। अब ये डेमोक्रेटिस जो हैं क्या करते हैं कि ये उनसे एक चीज़ ली उन्होंने कि जो फंडामेंटल्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते, लेकिन फंडामेंटल बनाने का क्या काम करेगा, हमें किसी चीज़ के फंडामेंटल देख रहे हैं तो हम ये चीज़ देखेंगे उस चीज़ को कि उसमें परिवर्तनशीलता का क्या अंश है, तो हमें लगेगा कि जो चीज़ विस्तृत है फैली हुई है वो परमानेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसके टुकड़े हो सकते हैं। जो चीज़ एक इंच की है वो आधा इंच से आधा इंच बनेगी और उसके नीचे बनेगी टुकड़े। इसलिए उन्होंने कहा जिसके अंदर विस्तार है वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? वो जिसके बाद विस्तार, जिसके अंदर विस्तार ना हो। तो इनके विस्तार को बांटते चले जाओ, बांटते चले जाओ, बांटते चले जाओ, तो एक ऐसी जगह आ जाएगी जहाँ हम आगे नहीं बांट सकते। उसको कहते हैं एटॉम। टॉम का मतलब काटना। जो चीज़ें होती हैं उनको हम काटने वालों को सारे को टॉम ही कहते हैं। एनाटॉमी, किसी चीज़ को बीच में से काटना, सारी यही टर्म पे प्रयोग होती हैं। तो टॉमी का मतलब काटना। अब हम एक जगह पहुंच गए ए टॉम, जिसको काटा ना जा सके, उसका इन्होंने नाम रख दिया एटम। तो इन्होंने कहा एटम अपरिवर्तनशील हैं, एटम को कोई चेंज नहीं कर सकता, एटम शाश्वत हैं। एटम का ना किसी ने एटम को पैदा किया है। एटम जब मिलते हैं तो कोई वस्तु चौड़ी दिखाए, लंबी चौड़ी डायमेंशन में आ जाती है, जब एटम अलग हो जाते हैं तो वो चीज़ बिखर जाती है, लेकिन एटम को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो यही वहीं पहुंच गए जहां उन्होंने पहले कहा था एक्स निहिलो निहिल फिट। ना कोई एटम को पैदा कर सकता है, ना कोई एटम को। अच्छा, एमपी डॉकिंस ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो संसार है इसके बिगिनिंग का, कब वो प्रेम का साम्राज्य कब था, यानी सारी चीज़ें एक ही जगह इकट्ठी क्यों थी। तो ये हमारा आज का जो सिद्धांत है कि दुनिया में मैटर था सारा इकट्ठा, एक दिन ऐसा आया कि बाई चांस बिग बैंग हुआ, और जब बिग बैंग हुआ वो सारा, तो उस सिद्धांत के भी बीज जो हैं वो ग्रीक में ही हैं, इनके आए हैं कि सारी चीज़ें पहले प्रेम के द्वारा एक दूसरे में मिली हुई और एक बहुत बड़ा विशाल इमेजरेबल कोई चीज़ थी, और जब वो हटी एक दूसरे से सारी दुनिया बन गई। तो इन्होंने भी वही चीज़ ली कि एटम जब मिलते हैं एक दूसरे से तब संसार की क्रिया वस्तुएं पैदा होती हैं, और एटम जब तक, तो एटम जो है वो है जो ऐसी चीज़ जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। इस एटम को आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसको मैथमेटिकली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो ग्रीक्स ने जो एटम का सिद्धांत दिया, ये एटमिज्म हमारा कब तक चलता रहा, 20वीं सदी तक, कि एटम जो है कण है अनडिवाइडेड, वेव थ्योरी ऑफ एटम 20वीं सदी में। तो 2000 साल तक यही सिद्धांत चलता रहा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, एटम को काट नहीं सकता, लेकिन एटम को कोई देख भी नहीं सकता। सारी फिजिक्स ये मानती है कि एटम का बिहेवियर तो हम अध्ययन कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे तो एटम कहाँ चल रहा है तो पता लग जाएगा, लेकिन एटम को नहीं देख सकते हम, नेकेड आई से दिखाई नहीं देता एटम। तो ये एटम का सिद्धांत डेमोक्रेटस ने दिया, ये फादर ऑफ एटमिज्म माना जाता है उसको। और उसने कहा कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो एटम से नीचे जा कर के डिवाइड करके इसको दिखा दे। एटम का मतलब एटॉम, जो कट ही नहीं हो सकता। तो एटम एक मैथमेटिकल एंटिटी है, कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आंखें देख लें, परसेप्शन कर लें। अब ये एटम जो है इनके बारे में इन्होंने सोचना शुरू किया, तो इन्होंने कहा ये एटम जो है ये सारी दुनिया के जितने भी तत्व हैं, चारों तत्व हमारे जो दुनिया के हैं, इन सब के एटम जो होते हैं वो एक ही समान होते हैं, क्वालिटेटिवली उनमें कोई अंतर नहीं है, सब एक से ही होंगे। और वो फिजिकल एटम हैं सारे के सारे, वो मेंटल नहीं है, वो फिजिकल हैं, उनसे फिजिकल चीज़ ही बनेगी दुनिया की एटम के। तो एटम से सारी दुनिया बनी है, जितनी भी दुनिया सब, ये आप मेज जो है ये 4 लाख एटम या 40 लाख एटम से बनी हुई है दुनिया, आपको मेज दिखाई दे रही है, मैं कहूँगा कम्युनिटी ऑफ एटम्स है ये एटम का शहर है बसा हुआ जिसमें 4 लाख एटम रहते हैं, तो आपको मेज दिखाई दे रही है। और कुछ एटम जो है उन्होंने अपने आप को इस तरह जोड़ना शुरू किया, कुछ ने नीचे की तरफ जोड़ना शुरू किया,
तो लंबाई और चौड़ाई बन गई इनकी सारी की सारी। तो सारी चीज़ें एटम के परिवर्तन से दुनिया में बनती हैं, और सब एटम एक ही तरह के हैं। क्वालिटेटिवली सारे एटम एक ही हैं, क्वांटिटेटिवली उनमें अंतर है। कोई एटम छोटा है, कोई एटम बड़ा है। इसको भी आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसमें कहा कि एटम बड़ा है और छोटा, और एटम का हैवी वेट या हल्का है किस तरह से होगा, उसकी वेव लेंथ से। जिसकी वेव लेंथ 1 मिलीमीटर है और एक की जो है वो 1/4 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर वाला एटम जो है वेव लेंथ उसकी वेट भी ज़्यादा होगा। एटॉमिक वेट भी उस चीज़ का कि लोहे का एटॉमिक वेट इतना है, क्योंकि लोहे का जो एटम है उसकी वेव लेंथ ज़्यादा है। और आपने कहा पानी का एटम जो है उसकी वेव लेंथ बहुत छोटी है तो छोटा होगा। तो क्वांटिटी का अंतर है मैं एटम्स में। इन्हीं एटम्स को अगर आप इस तरह बना दोगे कि एक एटम की किसी तरह कोई मैकेनिज्म ऐसा आ जाए, क्या पता है कि जब आपका ये हो जाए कि ये जो छोटी वेव लेंथ का है 1/4 सेंटीमीटर वेव लेंथ का जो एटम है, इसकी वेव लेंथ को हम बढ़ा सकते हैं किसी तरह से और इसको 1 मिलीमीटर कर सकते हैं, तो वाटर का एटम जो है लोहे का एटम बन जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं तो जिससे प्रकृति बनी है तभी से ऐसा है, इनमें चेंज नहीं। जैसा एटम प्रकृति में बन गया उसको चेंज कर ही नहीं सकता कोई, कोई भी उसको ला नहीं सकता। तो इसमें डेमोक्रेटिस ने एटम का सिद्धांत दिया कि ये एटम सारे के सारे जो हैं, एटम से ही सारा का सारा चीज़ें बनता है। अब इनके साथ लोगों ने क्वेश्चन किया कि एटम जो है ये क्वांटिटेटिवली तो आपने कहा एक ही हैं सारे, किसी की वेव लेंथ बड़ी होगी तो बड़ा एटम कहलाएगा, किसी की वेव लेंथ छोटी होगी छोटा होगा, क्वालिटी का कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन ये एक दूसरे से जब साथ करते हैं चार, तो इनमें मूवमेंट कैसे होता है? तो वैसे तो उन्होंने डेमोक्रेटस ने कहा कि मूवमेंट उनके अंदर ही कंटेंड है, लेकिन उन्होंने फिर एक बात सोची कि मैटर तो जड़ है, अगर कंटेंड हो तो कैसे होगा सारा। तो उन्होंने कहा इसके लिए दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है, दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें मानना पड़ेगा, एक एटम और एक वैक्यूम। वैक्यूम को उन्होंने कहा स्पेस, आकाश। आकाश भी वैक्यूम भी उतना ही सत्य है जितना एटम सत्य है। डेमोक्रेटस ने कहा अगर एक वैक्यूम सत्य ना होता तो एक एटम को दूसरे एटम से कौन अलग करेगा? एटम को एटम अलग कर रहा है एटम से, तो सेपरेशन कैसे हुआ? एटम को एटम के बीच में कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए जो एटम नहीं है, तो उन्होंने कहा हमें इसको मानना चाहिए। और दूसरे उन्होंने कहा कि इस ये स्पेस है, इसको वैक्यूम को इसलिए भी मानना पड़ेगा कि जब एटम मूव करेंगे अपने एक दूसरे से मिलकर के मूव करेंगे, अगर खाली जगह ही नहीं होगी तो मूव कहाँ करेंगे? तो खाली जगह भी माननी पड़ेगी कि वैक्यूम भी उतना ही रियल है, आकाश भी उतना ही रियल है दुनिया के अंदर जितना मैटर रियल है। मैटर और नॉन मैटर दोनों रियल हैं, दोनों को रियल मानना पड़ा, क्योंकि नॉन मैटर को रियल नहीं मानेंगे तो फिर एक एटम को दूसरे से कैसे अलग? मैटर को मैटर मैटर से अलग कर रहा है तो अलग ही नहीं, वो बात ही कुछ नहीं हुई। इसलिए मैटर को कोई चीज़ ऐसी अलग, एक एटम को दूसरे एटम से कौन अलग कर रहा है? तो कोई चीज़ बीच में ऐसी आएगी जो एटम नहीं है। तो सारी मॉडर्न साइंस की जो आधार है वो बीज रूप में इन्होंने, और उन्होंने कहा ये एटम सारे संसार के बीज हैं, हर चीज़ का बीज इन एटम्स के अंदर ही है, एटम के मिश्रण से ही संसार बनता है, और एटम जो है अलग हो जाए तो चीज़ बिखर जाती है। तो इन्होंने एटॉमिक का सिद्धांत जो है वो हमारे डेमोक्रेटस ने दिया कि वर्ल्ड जो है सारी एटॉमिक है, एटम से ही बनी हुई है, और एटम क्वालिटेटिवली बिल्कुल एक दूसरे से, कोई उनको क्वालिटी का भेद नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी का भेद है। और एटम को एक दूसरे अलग करने के लिए वैक्यूम भी रियल है, उसको आकाश कहो या स्पेस कहो, स्पेस भी उतनी रियल है। तो इन्होंने एटम सिद्धांत का पूरा बीज जो है, जो आज एटॉमिक थ्योरी न्यूटन ने दी, और दी उस एटॉमिक थ्योरी का सारा सिद्धांत डेमोक्रेटस को इसलिए हम फादर ऑफ एटॉमिज्म मानते हैं, एटॉमिज्म के फादर हैं।